नमस्कार, मैं हूं प्रणव समरदीप प्रणवानंद और स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज कल आज और कल भी। तो आइए जानते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना अकादमी हैदराबाद में पासिंग आउट परेड हो रही है। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 123 जांबाज अधिकारी जिनमें से 19 महिला जांबाज अधिकारी भी शामिल हैं। चीन की अकड़ ढीली करने के लिए भारत की तिब्बत सीमा पर बनाई जा रही 32 सड़कों के काम में और अधिक तेजी लाई जा रही है। गलवान घाटी के तनाव के बावजूद भारतीय सेना ने इसी बीच पुल का निर्माण पूरा कर लिया है जिससे चीन की बौखलाहट पूरी दुनिया देख रही है। इन सड़कों के निर्माण से भारत सामरिक दृष्टि से और अधिक मजबूत हो जाएगा। मसूरी में आज होटल स्वामियों की बैठक होगी जिसमें अनलॉक 1 में होटल खोलने पर विचार किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण अन्य व्यवसायों के साथ साथ होटल व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार आते ही जा रहे हैं। कल दिन तक 25 नए मामले आए और दिन के बाद से 50 और मामले आए। इस तरह से प्रदेश में कुल मामले पहुंच गए हैं 2177। तो आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।